गाइस तो हमारे सामने मोहब्बत मोहब्बत का दूसरा नाम दिलशान आलम बैठे हुए हैं, तो इनकी स्टोरी जानते हैं लव स्टोरी की कुछ, ये हमें बताएंगे, काफी दिलचस्प होगा, सुनिए इनसे खुद। अब दिल्ली में एक लड़की थी, बड़ा अच्छा नाम था उसका, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ये तो बुरा मान जाएगी। सीक्रेट है? हाँ, सीक्रेट चीज़ बुरा मान जाएगी। हाँ। बड़ी अच्छी लड़की थी या है, मतलब थी, अच्छा मर चुकी है वो। थी, अच्छा मर चुकी है वो, सो सैड। तो बेपना मोहब्बत करती थी वो मुझसे, मैं उससे प्यार करता था, फिर सबसे स्टार्टिंग करते हैं, शुरू से बताता हूँ। मैं एक जगह आइसक्रीम की दुकान से लॉलीपॉप खरीद रहा था, लॉलीपॉप चूसने के लिए, तो अचानक से ही वो मेरे सामने दिखी, कि उसे भी लॉलीपॉप लेना था। काफी लॉलीपॉप, सही बात है, आगे बताइए। तो लॉलीपॉप बहुत सीरियसली कहानी है, कि मैं उन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, तो प्लीज़ हंसो मत। ठीक है, ठीक है भाई, कि जो ये सब देख रहा है ना, वो लोग भी बहुत हंसेंगे, क्योंकि उनके लिए ये बकवास कहानी होगी, बट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। भाई आपकी हर बात, हर अल्फाज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। बस ऊपर से हंसते हैं तो भाई साहब कैमरे वाले थोड़ा इधर उधर भी ध्यान रखना, कि पुलिस वाला है, गाड़ तोड़ना। नहीं 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 तोड़ेंगे, आप लव स्टोरी सुनाइए ना, वो भी बैठ के सुनेगा। तो क्या नाम है इसका, तो एक लड़की थी, बड़ी अच्छी नाम था उसका, नाम नहीं बताऊंगा मैं। जी जी। तो वो लॉलीपॉप खरीदने आई थी, तो मैं चाहता पता क्या था, मैंने लॉलीपॉप चूस लिया था अच्छी तरीके से। लॉलीपॉप चूसने के बाद मैंने दोबारा से उस लॉलीपॉप को ना उसी पन्नी में लपेट के मैंने दुकानदार को बोला कि ये लॉलीपॉप इनको दे दो। तो उस दुकानदार ने उठा के वो लॉलीपॉप उनको दे दिया। तो उस लड़की ने उसी टाइम लॉलीपॉप खोला, पन्नी थी, पन्नी फट गया, लॉलीपॉप टूट के थोड़ा सा नीचे गिर गया, लॉलीपॉप टूट के नीचे गिर गया। फिर वो लॉलीपॉप उठा के चूसने लगी। तो फिर मैंने पूछा, मैंने बोला, फिर उन्होंने लॉलीपॉप खा लिया। तो उस दिन, जिस दिन उसने लॉलीपॉप चूसा ना, तो उसके जस्ट एक घंटे बाद ही गाइस, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि वो लड़की जो थी वो तोतली थी, तो लड़की तोतली थी, तो जैसे उसने लॉलीपॉप जब चूसा ना, तो उसके एक दो घंटे के बाद ना उसका तोतलापन खत्म हो गया। पता नहीं गाइस, देखो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने फिल्म देखा होगा, आपने फिल्म देखा होगा, बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म है जिसका नंबर बिजनेसमैन 2 है, जिसमें एक लड़की एक्सीडेंट से मर जाती है, फिर वो एक लड़का जो होता है ना, उसको वो लड़का ना उस लड़की को देख सकता है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म होता है, मतलब पिछला जन्म जो होता है ना, उसको एक दूसरे को दिखा देता है, मतलब लड़की मरी भी होती तब भी उसकी आत्मा को वो देख सकता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, मैंने लॉलीपॉप चूस के दोबारा पन्नी लपेट के मैंने उसको दे दिया, फिर उन्होंने लॉलीपॉप चूसा, फिर वो तोतलापन खत्म हो गया उसका। काफी हीरे से है, मतलब कुछ अजीब है ये, अजीब है, कुछ ही लोगों के साथ ऐसा घटता है। हाँ देखो, 125 करोड़ है आबादी यहाँ की, 35 हो गई होगी, जो भी है प्लस हो, तो सोचो 130 करोड़ में एक इंसान अगर ऐसा निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे साथ ही सीन होना था, तो मेरे साथ ही सीन हो गया। तो ये चीज उसको बहुत खुशी हुई, उसने ना उस दिन से ना वो मेरा पीछे नहीं छोड़ दी। वो कह रही, नहीं तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये। मैंने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं करता तुमसे प्यार। अब यार एकदम से थोड़ी ना प्यार होता है। तो
अच्छा खासा हुआ, मतलब फिर वो मेरे को टाइम, मैं उसे टाइम देने लगा थोड़ा थोड़ा। उसके अंदर कुछ बीमारी, मैं आपको कह नहीं सकता उस बीमारी का नाम, बड़ी गंदी बीमारी थी। तो क्या हुआ फिर? वो बीमारी मुझे पता नहीं था कैसे है क्या है, तो उसके प्यार में ना बहुत ज्यादा पागल हो गया। प्यार ही इतना करती थी, दिन रात प्यार करती थी वो दिन रात। फिर वो लड़की मेरे को हमेशा साथ मिले जाती, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, उसके पास हर चीज था, मेरे को ना हर चीज का, हर चीज की सुविधा दी उसने मेरे को। मैं उसके घर भी जाता, उसके घर वाले भी मतलब बहानेबाजी करके, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद मैं, वो मुझे हर जगह ले जाती, हर रिश्तेदार से मिलवाती, बताती कि मेरी वजह से, इनकी वजह से मैंने, मेरा तोतलापन खत्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। धीरे 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 प्यार रिश्तों में बदलता गया, बढ़िया तरीके से प्यार हुआ, अच्छी तरीके से हुआ। फिर एकदम से ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक दिन शाम को अचानक से कॉल आ गया, एक सेकंड, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। ये देखो ये एप्पल फोन भी उसने दिलवाया मेरे को, उस लड़की ने दिलवाया। देखो चश्मा भी उसने दिलवाया, देखो सही से देखो, देख सकते हैं चश्मा भी उन्होंने दिलवाया मेरे को। काफी हैंडसम देख रहे हो। ये चश्मा भी उन्होंने दिलवाया मेरे को, चश्मे जो पहना हुआ मैंने, ये फोन भी उन्होंने दिलवाया मेरे को। काफी मानती थी ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये फोन 1,00,000 रुपए का है, एप्पल का फोन है। मेरे को 2 प्लॉट भी दिलवा रखा दिल्ली में। फिर ट्विस्ट क्या है? फिर ट्विस्ट क्या है या, मतलब आपके लाइफ में ट्विस्ट ये आया कि अचानक से कॉल आया मेरे पास। क्या था वो कॉल? उसने, उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी। अच्छा, मैं पागल हो गया। फिर उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी। मैं उसके बाप के पास गया, मैंने बोला कि ये शादी मत करो। तो कहने लगा तू कौन है? तो मैंने बोला आज जो ये बोल रही है ना, इसके बोलने की वजह मैं हूँ। उसके बाप ने जब उसकी शादी तय कर दी, जब मैं गया उसके पास, तो उसको बोला मैंने कि इसके बोलने की वजह बस मैं हूँ, इसके तोतलेपन की खत्म होने की वजह मैं हूँ। मैंने लॉलीपॉप दिया था उसको चूसने के लिए, ये लॉलीपॉप चूसने की वजह से इसका तोतलापन खत्म हुआ। मैं ही करूंगा इसे शादी। पसीना बहुत आ रहा मेरे को, गर्मी भी काफी है, देश का तापमान तो जानते ही आप लोग कितना है। मैं जो कोरोना ने दुकान फाड़ रखा है मेरे चाचा का, बाद में उठाऊंगा। तो मैंने बोला उसे कि मैं करूंगा शादी, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता शादी इससे। तो फिर उसके बाप ने मेरे को बोला नहीं कर सकता शादी, मेरी बेटी है, मेरा फैसला होगा। तो फिर अचानक से क्या हुआ, उसके बाप ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने फिर भी हार नहीं माना। फिर मैं उठा, जब मैं उसके घर गया
फिर दोबारा उसने मेरा एक्सचेंज करवा दिया। फिर मैं दोबारा गया, फिर लास्ट टाइम मुझे उस लड़की ने बोला कि जा दिलशान जा, मैं तेरी नहीं हो सकती, जा भूल जा दिलशान, मेरे को जा। जब उसने मेरे को जब ये बोला ना, उसने तीन बार बोला मेरे को, जा जा दिलशान जा भूल जा, जा दिलशान जा भूल जा, मेरे को जा भाग जा। अचानक से चौथी आवाज में पता क्या सुनाई दिया मेरे को, दा दिलशान दा भूल दा मिल तो भूल दा दा दा। ओ मैं चौंक गया। मैं जब मैंने देखा उसे, ये फिर तोतली होती जा रही है, मेरे को भगा दिया। मैंने उसको लास्ट टाइम पता क्या बोला, जा 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 तो जा जा जा, मेरा घंटा तेरे को लॉलीपॉप देगा, लॉलीपॉप चूस मेरा, अब लॉलीपॉप नहीं दूंगा तेरे को, अब तो तोतली रहेगी हमेशा। मैं वहां से भाग गया। उसके पीछे उसके बाप ने अपने गुंडे दौड़ाए, उसकी बेटी ने गुंडे दौड़ाए, लास्ट में मेरे को भगाते भगाते भागता भागता भागड़ा। बेटी भागी जा रही, उसके पीछे गुंडे भागे जा रहे, सब भागे जा रहे, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे भागे जा रहे। तीन बार आवाज आया, रुद्दा दिलशान रुद्दा, फिर बोला रुद्दा दिलशान रुद्दा। तीसरी बार में उसका जवान बाहर आ गया। जवान बाहर आते ही वहीं मर गई, क्योंकि उसको तेरा लॉलीपॉप खाना था, तेरा लॉलीपॉप खा नहीं पाए तो मरेगी नहीं। तो जैसे कि इन्होंने मेरा नाम बताया दिलशान, तो मेरा नाम दिलशान है और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ और यहाँ भी रहता हूँ। बहुत कम मैं यहाँ पे आता हूँ, वैसे रेगुलरली मतलब दिल्ली में रहता हूँ। ये मेरा दोस्त है जो वीडियो बना रहा है तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये बोल दूँ मैं, पहले सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर तो बिल्कुल ही करना। और इनकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और बाकी बॉडी और मैं चाहता हूँ कि इनका अच्छा खासा यूट्यूबर हो जाए, मतलब अच्छे खासे यूट्यूबर हो जाए, ताकि ये आगे चल के। भाई साहब सब हम समझ रहे हैं, बस आप अपनी लव स्टोरी सुना है, दुनिया आपकी लव स्टोरी सुनना चाहती है, आप अपनी लव स्टोरी सुनाओ इनको। स्टार्ट लव स्टोरी। कैमरा थोड़ा पीछे पीछे तब ना आवाज आएगी। तो मैं कह रहा था